आज हम दशकों से फाइलों में दम तोड़ती इस व्यवस्था का विश्लेषण भी करेंगे। हम आपको उन तमाम अहम बिलों के बारे में बताएंगे जिनका होना देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। ये विश्लेषण देखकर आपको भी लगेगा कि 7 दशकों में लोकतंत्र और पक्ष विपक्ष की परंपरा ने पूरे देश को कैसे रोक रखा है, ठहराव की तरफ धकेल दिया है। सबसे पहले बात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की। देश में जब भी सभी समुदायों के लिए एक जैसा कानून और नियम लाने की बात हुई तो उसका विरोध हुआ। आजादी के फौरन बाद 1951 में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की थी और इसका जोरदार विरोध हुआ। आखिरकार बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। हर धर्म के लिए अलग अलग बिल लाए गए और कानून बनाया गया। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल कर लिया था। यानी 1951 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो कानून बनाने की कोशिश की थी उसे 2020 तक अमली जामा पहनाने की कोशिश जारी है। वर्तमान सरकार ने जब भी इस पर जमी धूल को साफ करने की कोशिश की, सवाल भी खड़े हुए और विवाद भी हुआ। जब जब इस नियम की चर्चा सरकार या पार्टी ने छेड़ी, अलग अलग तबकों से विरोध की तलवारें चल निकली। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, फिर भले ही वो किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों न रखता हो। फिलहाल देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस पर बहस लंबे समय से चली आ रही है कि जब समान अधिकारों की बात होती है तो समान कानून क्यों नहीं होने चाहिए। समान कानून से न्यायपालिका की भी बहुत सारी बाधाएं कम हो सकती हैं। कानून में क्लैरिटी आने से, स्पष्टता आने से न्यायालयों में सालों से लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा हो सकता है। यही नहीं, सभी के लिए कानून में एक समान चीज़ें होने से एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहां हर नागरिक समान हो वो देश तेजी से विकास करता है। भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की है, ऐसे में कानून का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने चाहिए और इससे राजनीति में भी आवश्यक बदलाव आएगा, या यूं कहें कि वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी। लेकिन कॉमन सिविल कोड के भी कानून बनने में राजनीति आड़े आती रही है। अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरिज्म को ख़त्म करके रख देगा। इसलिए कि इसको अगर आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से देख रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी प्लुरिज्म में मुसलमान भी है, उसमें दलित भी है, ट्राइबल भी है, हमारे हिंदू भाइयों के मुख्तलिफ तहजीब और उनके तमद्दुन है। कोई भी पक्ष समझाने में सफल नहीं होता कि हर धर्म के लोगों को समान कानून के दायरे में लाने से शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे मामलों में समानता आ सकती है। उनकी धार्मिक मान्यताओं का अधिकार पहले की ही तरह बरकरार रह सकता है। जबकि विपक्ष ये बता नहीं पाता कि इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का मंदिर संवाद करने की जगह विवाद करता नजर आता है और आज भी ये कानून एक सपना ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।